हेलो, आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल शिक्षा भारती क्लासेस में वैष्णो सर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 8 वर्ष 2023-24 अध्याय 12 गुणन खंडन के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है जिसे आपको अध्ययन कर लेना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप जहां पर वीडियो देख रहे हैं वहीं पर वीडियो के नीचे आपको इस तरह से एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा, तो आपको यहां पर टच करना है। फिर आपको घंटी के ऑप्शन पर टच करना है। नोटिफिकेशन में आपको आल के ऑप्शन पर टच करना है। वीडियो को आपको अवश्य लाइक करना है। यदि आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो आप शेयर के ऑप्शन पर टच करके वीडियो अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। साथ ही यदि आपको एट ग्रेड कक्षा 8 की किसी भी विषय की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल के लोगो पर टच करके प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको डिस्क्रिप्शन पर भी सभी वीडियो की लिंक उपलब्ध करा देंगे, तो वहां से भी आप सभी विषय की वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हम आपको यहां पर आई बटन पर कक्षा 8 के गणित के सभी अध्याय की वीडियो उपलब्ध करा देंगे, तो यहां पर आप टच करके वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी और आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। अब चलें इसके प्रश्नों को हल कर लेते हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। अब देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 में हमको क्या दिया है, 17xyz, 34xy2, 51x2y में सार्वगुणनखंड होगा। तो देखिए, इसमें सार्वगुणनखंड क्या होगा, मतलब हमको ऐसी संख्या ढूंढनी है जो तीनों के पास हो। तो देखिए, 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 34 भी आ जाएगा, 51 भी आ जाएगा, मतलब तीनों संख्याओं में हमारे पास 17 उपलब्ध है, तो यहाँ पर हम 17 को लिख लेंगे। अब देखिए, तीनों के पास यक्स 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 है, तो हम तीनों के पास यक्स है इसलिए लिख लेंगे। फिर देखिए, वाई यहाँ पर भी है, वाई यहाँ पर भी है, वाई यहाँ पर भी है, तो वाई को भी लिख लेंगे। अब देखिए, जेड इसके पास है, जेड इसके पास नहीं है, जेड इसके पास नहीं है, तो हम जेड को नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से 17xy हमारा क्या हो गया, सार्वगुणनखंड हो गया। अब देखिए, 17xy हमको किस विकल्प में दिया है, बी वाले विकल्प में दिया है, इसलिए हमारा बी वाला विकल्प क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से 17xy लिख लेंगे। साथ ही हमको क्या काम करना है, बी वाले घेरे को कुछ इस प्रकार से भर लेंगे। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 2, 12x2y2 का अखंडनीय गुणनखंड होगा। तो देखिए, इसका अखंडनीय, अखंडनीय का मतलब जिसके और खंड ना किए जा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, x की घात 2 को हम x गुणे x लिख सकते हैं, y की घात 2 को भी हम y गुणे y लिख सकते हैं, 12x को हम 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे x लिख सकते हैं। तो इन तीनों का जो है गुणनखंड हो सकता है, पर x का और कोई गुणनखंड नहीं हो सकता, इसलिए हमारा सी वाला उत्तर क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पर हम सी लिख लेंगे कि हमारा सी वाला उत्तर सही है। साथ ही हमको क्या काम करना है, सी वाले घेरे को कुछ इस प्रकार से भर लेना है। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 3, 8x+8/8 का सरल रूप होगा। तो देखिए, इसे हम हल करते हैं। इसका सरल रूप क्या होगा, यदि हम ऊपर की संख्या से दोनों से 8 को उभयनिष्ठ ले लें, मतलब 8 को हम बाहर निकाल दें, तो यहाँ से देखिए एक x बचेगा, यहाँ से ये 8 पूरा बाहर निकल गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचेगा,
और बटे के नीचे कितना है, 8 है। अब देखिए 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा शेष, एक्स धन 1। अब देखिए एक्स धन 1 हमको किस विकल्प में दिया है, ए वाले विकल्प में दिया है, इसलिए हमारा जो ए वाला विकल्प होगा वो सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हम ए वाले विकल्प को यहाँ लिख लेंगे और साथ ही हम ए वाले घेरे को कुछ इस प्रकार से भर लेंगे। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 4, ए की घात 2 ऋण 2ab धन बी की घात 2 के बराबर क्या होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए ये पूरा का पूरा सूत्र ही है, और ये किसका सूत्र है, ए ऋण बी की घात 2, इसका ये पूरा का पूरा सूत्र दिया हुआ है, इसलिए इसका मान इसके बराबर होगा। अब देखिए इस तरह का हमको किस विकल्प में दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए डी वाले विकल्प में हमको इस तरह से दिया हुआ है, इसलिए हमारा डी वाला उत्तर क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पर हम उत्तर में लिख भी लेंगे कि डी वाला उत्तर हमारा ए ऋण बी की घात 2 क्या होगा, सही होगा। साथ ही हम डी वाले घेरे को कुछ इस प्रकार से भर लेंगे। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 5, 38 एक्स की घात 3 वाई की घात 2 जेड भागे 19 एक्स वाई की घात 2 का मान होगा। अब देखिए इसे हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर हमको सवाल कितना दिया है, 38 एक्स की घात 3 वाई की घात 2 और जेड, और भाग का मतलब क्या होता है, बटे। तो बटे के नीचे हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 19 एक्स वाई की घात 2। ये तो हमको सवाल में ही दिया था, अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 19 की टेबल से हम 38 को काट देंगे, 19 दूनी 38, ये कट गया। फिर इसके बाद ऊपर 3 ठो एक्स है और नीचे 1 ठो एक्स है, तो यहाँ का ये 1 एक्स कट जाएगा, और ऊपर के 3 में से 1 एक्स कटेगा तो 2 ठो एक्स बचेगा। यहाँ वाई की घात 2 है, यहाँ पर भी वाई की घात 2 है, तो वाई की घात 2 वाला पद पूरा कट जाएगा। अब देखिए काट लेने के बाद हमारे पास कौन कौन सी संख्या बची, यहाँ से हमारे पास 2 बच गया, और एक्स की घात कितना बचा, 2 बचा है, और जेड बचा है। अब देखिए 2 एक्स की घात 2 जेड, ये जिस विकल्प में दिया हो वह उत्तर हमारा सही है। तो देखिए ये सी वाले विकल्प में दिया है 2 एक्स की घात 2 जेड, तो यहाँ पर हम उत्तर में लिख लेंगे सी। साथ ही हम सी वाले घेरे को कुछ इस प्रकार से भर लेंगे। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 6, दिए हुए पदों में सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए इनमें हमको क्या ज्ञात करना है, सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलें इसको हल कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के पहले भाग को हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया है, 2y, तो 2y का जब हम गुणनखंड के रूप में इसे लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे वाई लिख सकते हैं। फिर इसके बाद 24xy, तो देखिए 24xy को हम गुणा के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, तो 24 को लिख लिए। अब गुणे के रूप में x को लिख लेंगे, फिर y को लिख लेंगे। अब देखिए इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, प्रश्न में सार्व गुणन खंड ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें सार्व गुणन खंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं सार्व गुणन खंड बराबर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या पा रहे हैं कि 2 इसके गुणन खंड में भी है और इसके गुणन खंड में भी है, और y भी देखिए इसके गुणन खंड में भी है और इसके गुणन खंड में है, और जो दोनों में हो वही क्या कहलाएगा, सार्व गुणन खंड कहलाएगा। तो इसके लिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों के पास 2 है और दोनों के पास y है, इसलिए सार्व गुणन खंड क्या हो जाएगा, 2y। फिर इसी तरह हमको इसके दूसरे भाग को हल कर लेना है। तो दूसरे भाग को हम यहाँ पर इस प्रकार से लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पे हम हल कर लेते हैं। तो देखिए दूसरे भाग में हमको सवाल में पहला भाग क्या दिया है, 21 ab,
तो देखिए 21 ए बी को हम गुणनखंड के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, 3 × 7 × a × b इस प्रकार से लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए 49 ए बी की घात 2, इसको हमको गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो 49 ए बी की घात 2 को हम क्या लिख लेंगे, 49 को क्या लिखेंगे हम 7 × 7। फिर देखिए ए को लिख लेते हैं, अब हमारे पास बी कितना दिया है, 2 है, तो हम इसको b × b इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर सार्वगुणनखंड कौन कहलाएगा, जो दोनों के पास मिल रहा हो, तो यहाँ पे देखिए ये 7 इसके पास भी है और 7 इसके पास भी है, ए इसके पास भी है और ए क्या है इसके पास भी है, बी इसके पास भी है और बी इसके पास भी है। तो देखिए दोनों में हमको 7 ए और बी दोनों में मिल रहा है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा सार्वगुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सार्वगुणनखंड बराबर 7 ए बी, तो ये क्या आ गया हमारा उत्तर। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो देखिए हमको यहाँ पर ये दो व्यंजक दिए हुए हैं, इन दोनों का हमको गुणनखंड करना है। तो सबसे पहला काम हम प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेते हैं। प्रश्न का पहला भाग हमको क्या दिया है, 5x + 20। अब इसका हम गुणनखंड करते हैं, तो देखिए 5x को हम क्या लिख लेंगे, 5 × x। फिर इस प्रकार से हम 20 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5, क्योंकि आप इसका गुणा करेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, आपको इतना ही प्राप्त होगा। फिर इसके बाद हमको क्या काम करना है, यहाँ पर देखिए इस पद में भी 5 है, इस पद में भी 5 है, तो दोनों से 5 को हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे, मतलब दोनों से 5 को हम बाहर निकाल देंगे। जब 5 को हम बाहर निकाल दिए यहाँ से, तो यहाँ से कितना बचेगा, x बचेगा, यहाँ से 5 को बाहर निकाल दिए तो 2 × 2 बचेगा, और इन दोनों 2 का हम गुणा कर देंगे तो 2 × 2 = 4। तो इस तरह से हमको इसका गुणनखंड 5 के अंदर x + 4 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से हमको क्या करना है, प्रश्न के दूसरे भाग को भी हल कर लेना है। तो यहाँ पर हम बी वाले भाग को हल कर लेते हैं। अब देखिए प्रश्न हमको क्या दिया है, 6ab · 9ac। अब देखिए इसे भी हम गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं, तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 3, और ए और बी को भी गुणे के रूप में लिख लेंगे, a × b। इसी प्रकार 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, और ए और सी को भी गुणा के रूप में लिख लेंगे, तो a × c। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 3 इस पद में भी है और इस पद में भी है, ए इस पद में भी है और इस पद में भी है, बी इसके पास है पर इसके पास नहीं है। तो यहाँ पर 3a दोनों के पास है, तो हम क्या करेंगे, दोनों से 3a को कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ निकाल के बाहर कर देंगे, तो ये 3 और a को हम बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए 3 और a बाहर निकल गया, तो यहाँ से 2 और b बचेगा, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 × b। यहाँ से भी 3 और a निकल गया, तो 3 और c बचेगा, तो इसको लिख लेंगे 3 × c। फिर इसको एक लाइन और हल कर लेते हैं, तो ये कितना है, 3a, 2 का गुणा b में होगा तो ये हो गया 2b, 3 का गुणा c में होगा तो ये क्या हो गया, 3c। तो ये क्या आ गया हमारा उत्तर। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 8, भाग दीजिए विभाजन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमको 2 सवाल दिए हैं, इनको हमको क्या करना है, भाग देना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सवाल के पहले भाग को हल कर लेते हैं। तो देखिए भाग का मतलब क्या होता है, बटा होता है, तो इस सवाल को हम क्या करेंगे, बटे के रूप में पहले लिख लेते हैं। हमको सवाल में दिया है 18 ए की घात 6, फिर इसके बाद बी की घात कितना दिया है, 7 दिया है। अब भाग के लिए, बटे के लिए हमको कौन सी संख्या दी है, 3 ए की घात 2
और बी की घात 4। तो इस प्रकार से हम सवाल को पहले बटे के रूप में लिख लिए। अब हमको क्या काम करना है, इस संख्या को हमको गुणनखंड के रूप में लिख लेना है। तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले हम 18 को गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3। अब गुणा करके देख लेते हैं, 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18। फिर इसके बाद देखिए हमको 1 × 6 दिया है, तो हमको 1 को गुणा के रूप में कितने बार लिखना होगा, 6 बार लिखना होगा। तो इस प्रकार से हम 1 को गुणा के रूप में 6 बार लिख लेंगे। फिर इसके बाद देखिए b² = 7 दिया है, मतलब हमको b को गुणा के रूप में 7 बार लिखना होगा। तो इस प्रकार से b को भी हम गुणा के रूप में 7 बार लिख लेंगे। फिर इसके बाद नीचे की संख्या को भी हम गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए 3 को तो नहीं लिखा जा सकता है कुछ भी, तो इसे ऐसे ही लिख लेंगे। 1² को हम क्या लिख लेंगे, a × a। फिर इसके बाद b² = 4 है, तो हम इसे गुणनखंड के रूप में b × b लिख लेंगे। इस प्रकार से 4 बार। अब देखिए यहाँ पर हम इनको गुणनखंड के रूप में लिख लिए हैं। अब हमको क्या काम करना है, अंश और हर से जो भी संख्या कट रही हो तो उसे काट देना है। तो देखिए यहाँ से ये 3 से ये 3 कट जाएगा, अंश और हर से ये 2 ठो a अंश और हर से कट जाएंगे। फिर इसके बाद b देखिए नीचे कितने हैं, 4 b हैं, तो हर से भी हम 4 b को काटे हैं, तो अंश से भी हम क्या करेंगे, 4 ठो b को काट देंगे। अब देखिए कटने के बाद हमारे पास जितना भी शेष बचेगा वो क्या कहलाएगा, उत्तर कहलाएगा। तो देखिए यहाँ से 2 बचा और 3 बचा, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 × 3 = 6 ये हो गया। अब देखिए हमको a कितने प्राप्त हुए हैं कटने के बाद, 1, 2, 3, 4, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 1 × 4। फिर इसके बाद देखिए b कटने के बाद कितने बचे हैं, 1, 2, 3, तो हम इसको भी लिख लेंगे b³। तो इस प्रकार से हमको 6, 1² और b³ ये क्या प्राप्त हो गया, उत्तर। अब इसी तरह हमको क्या करना है, इसके बी वाले भाग को भी हल कर लेना है। तो चलें सबसे पहले हम बी वाले भाग के सवाल को लिख लेते हैं। अब देखिए बी वाले भाग के लिए हमको सवाल क्या दिया है, 33, फिर इसके बाद x² = 2 दिया है, और y² कितना दिया है, 4 दिया है, और z² कितना दिया है, 6 दिया है। फिर इसके बाद हर वाले पद को लिख लेते हैं, ये कितना दिया है, 11 है, x² = 2, y² = 2, फिर इसके बाद z³। तो इस प्रकार से हम इसको लिख लिए हैं। अब हमको क्या करना है, इनको गुणनखंड के रूप में लिख लेना है। अब देखिए इसको गुणनखंड के रूप में हम कैसे लिखेंगे, 33 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 11, क्योंकि 3 का गुणा 11 में करेंगे तो हमको 33 प्राप्त होगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर x² = 2 है, मतलब हम x को गुणे के रूप में 2 बार लिख सकते हैं। फिर y² = 4 है, तो हम इसे y² को 4 बार हमको y लिखना पड़ेगा गुणे के रूप में, तो इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर देखिए z² = 6 है, तो हमको z को 6 बार गुणे के रूप में कुछ इस प्रकार से लिखना होगा। फिर इसके बाद हर की संख्या को गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं, तो 11 को तो हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, तो 11 को 11 ही लिखेंगे। x² = 2 है, तो इसे हम लिख लेंगे x × x। फिर इसके बाद देखिए y² = 2 है, तो हम इसे लिखेंगे y × y। फिर देखिए z³ है, तो इसे हम गुणे के रूप में z × z × z इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए अंश और हर से जो भी संख्या कट रही हो तो उसे हम काट देंगे। तो देखिए अंश में भी 11 है और हर में भी 11 है, तो ये दोनों 11 कट जाएंगे। फिर इसके बाद 1x अंश से और 1x हर से, फिर 1x अंश से और 1x हर से कट जाएगा। अब देखिए 1y अंश से और 1y हर से कट जाएगा, 1y अंश से और 1y हर से कट जाएगा इस प्रकार से। फिर देखिए
एक जेड हर से कटेगा और एक जेड अंश से, एक जेड हर से, एक जेड अंश से, एक जेड हर से और एक जेड अंश से। तो इस तरह से हर की सभी संख्याएं कट जाएंगी। अब देखिए, कट जाने के बाद जितना भी शेष बचेगा वो क्या कहलाएगा? उत्तर। तो देखिए, यहाँ से कितना शेष बचा है? तीन बचा है। यहाँ पे हमारे पास x कितने बचे हैं? कुछ x नहीं बचे हैं। y दो ठो बचे हैं, तो क्या हो जाएगा? y की घात दो। फिर इसके बाद z हमारे पास एक दो तीन बचे हैं, ये हो जाएगा z की घात तीन। तो इस तरह से हमको तीन y की घात दो, z की घात तीन, ये क्या प्राप्त हो गया? उत्तर। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक नौ, भाग दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर भी हमको दो प्रश्न दिए हैं, इनको हम एक एक करके हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ए वाले भाग को हल कर लेते हैं। अब देखिए, जो भी संख्या हमको भाग के रूप में दी है, इसे हम बटे के रूप में लिख लेंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं, कितना दिया है हमको कोष्टक के अंदर? नौ जेड की घात दो। फिर ऋण में कितना दिया है? इक्कीस जेड। फिर इसके बाद देखिए, जो भाग के बाद वाली संख्या है उसको हमको बटे में लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा? तीन जेड। अब देखिए, इस प्रश्न को और आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस नौ जेड की घात दो और इक्कीस जेड, इसे हम गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए, नौ को हम क्या लिखेंगे गुणनखंड के रूप में? तीन गुणे तीन लिखेंगे, और जेड की घात दो को क्या लिखेंगे? जेड गुणे जेड लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए, यहाँ पर जो हमको 21 दिया हुआ है, तो 21 को हम गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं? तीन गुणे सात लिख सकते हैं, और गुणे में ये कितना दिया है? जेड। इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। अब बटे में कितना है हमारे पास? तीन जेड है। अब इसे और आगे हल कर लेते हैं। तो अब देखिए, अंश में हम क्या देख रहे हैं कि तीन दोनों के पास है, तो दोनों से तीन को हम उभयनिष्ठ ले लेंगे। फिर देखिए, दोनों के पास जेड भी है, तो जेड को भी हम उभयनिष्ठ ले लेंगे, मतलब इनको हम कोष्टक के बाहर लिख देंगे। अब देखिए, तीन और ये जेड बाहर निकल गया, तो यहाँ से तीन और ये वाला जेड बचेगा, तो इसे लिख लेंगे तीन जेड। यहाँ से भी तीन और जेड बाहर निकल गया, तो कितना शेष बचेगा? सात बचेगा। फिर देखिए, बटे के नीचे कौन सी संख्या है? तीन जेड है। अब देखिए, अंश और हर में दोनों में तीन जेड हमको दिख रहा है, तो और अंश और हर से ये दोनों तीन जेड क्या होंगे? कट जाएंगे। अब कटने के बाद जितना भी शेष बचेगा वो क्या कहलाएगा? उत्तर। तो देखिए, कटने के बाद कितना बच गया? तीन जेड ऋण सात, और ये क्या हो गया? उत्तर आ गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है? इस प्रश्न के बी वाले भाग को हल करना है। तो चले, यहाँ पर हम प्रश्न के बी वाले भाग को हल कर लेते हैं। अब देखिए, प्रश्न का जो बी वाला भाग है, हमको क्या दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। पाँच एक्स की घात तीन दिया है, फिर धन में कितना दिया है? पंद्रह एक्स की घात दो। अब ये कोष्टक में है, तो कोष्टक में लिख लेंगे। फिर इसके बाद देखिए, भाग के चिन्ह के बाद जो संख्या दी है उसे हम बटे के नीचे लिखेंगे, तो x कोष्टक के अंदर x धन तीन, इसे हम बटे के नीचे लिख लेंगे x, और कोष्टक के अंदर x धन तीन। तो इस तरह से हम सवाल को लिख लिए। अब इसके बाद हमको इसको हल करना है। तो देखिए, सबसे पहला काम हम क्या कर लेते हैं, इसमें जो अंश की संख्या है उसका हम गुणनखंड निकाल लेते हैं, मतलब गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कितना है? पाँच है। एक्स की घात तीन को हम गुणे के रूप में कैसे लिखेंगे? एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स। फिर इसके बाद देखिए, ये पंद्रह लिखा है, तो पंद्रह को हम गुणे के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं? तीन गुणे पाँच, क्योंकि तीन का पाँच में गुणा करेंगे तो पंद्रह प्राप्त होगा। फिर एक्स की घात दो को हम गुणे के रूप में लिखेंगे, तो एक्स गुणे एक्स, ये हो जाएगा। फिर देखिए, नीचे की संख्या को आपको ऐसे ही लिख लेना है, यहाँ पर आपको कोई काम नहीं करना है।
फिर इसके बाद इसको और आगे हल कर लेते हैं। अब देखिए अंश की संख्या में हम क्या देख रहे हैं कि दोनों के पास यक्ष है, इसके पास 3 ठो यक्ष हैं और इसके पास 2 ठो यक्ष हैं, तो हम क्या करेंगे दोनों से 2 ठो यक्ष को बाहर निकाल लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे, और दोनों के पास 5 भी है तो 5 को भी बाहर निकालेंगे हम और 2 ठो यक्ष को भी इस प्रकार से बाहर निकालेंगे। अब देखिए 5 निकल गया और 2 ठो यक्ष निकल गया तो ये 1 ठो यक्ष बचेगा। फिर यहाँ से देखिए 5 निकल गया और ये 2 ठो यक्ष निकल गए तो यहाँ से क्या बचेगा 3 बचेगा। अब बटे के नीचे की संख्या को लिख लेंगे यक्ष और कोष्टक के अंदर यक्ष धन 3। अब देखिए जो संख्याएं हैं अंश और हर से यक्ष यक्ष कट जाएगा, फिर यक्ष धन 3 से यक्ष धन 3 कट जाएगा। अब इसके बाद जो भी कटने के बाद शेष बचेगा वो क्या कहलाएगा हमारा उत्तर, तो यहाँ से 5 बचा और यहाँ से यक्ष बचा तो 5 यक्ष, ये क्या आ गया हमारा उत्तर। आपको अभ्यास पुस्तिका में कम जगह दी है इसलिए आप क्या करेंगे ए वाले भाग को इस तरफ लिख लेंगे और बी वाले भाग को लाइन खींच के इस तरफ लिख लेंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 10 गुणन खंड कीजिए। देखिए यहाँ पर हमको प्रश्न का पहला भाग क्या दिया है, पहले हम पहले भाग को हल कर लेते हैं। हमको दिया है एक्स की घात 2 धन 7 एक्स धन 12 है। अब देखिए इसका हमको क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए इस तरह से जब आपको गुणनखंड ज्ञात करने के लिए दिया हो तो आपको क्या काम करना है, पहले शुरू की और अंतिम की संख्या का गुणा कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर 12 है तो 12 एक कम 12 ये प्राप्त होगा आपको। फिर आपको बीच वाली संख्या को लिख लेना है। अब देखिए बीच में आपको कौन सी संख्या दी है, 7 दी है तो इसे लिख लेना है। अब आपको ऐसी संख्या ढूंढना है गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर 7 आए, तो ऐसी संख्या क्या है 3 और 4 है। 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 प्राप्त होगा और 3 में 4 को जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होगा। अब देखिए ऐसा काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको इस 7x को जोड़ के रूप में लिखना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर धन 7x को हम क्या लिख लेंगे 3 और 4 के रूप में, मतलब 3x धन में 4x। फिर इसके बाद 12 को हम क्या लिख लेंगे गुणनखंड के रूप में 3 × 4। तो इस प्रकार से आप 7x को गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। अब आप देख लीजिए इस प्रकार लिखने से क्या सवाल में कोई परिवर्तन हुआ है, 3x 4x जोड़ेंगे तो 7x ही आएगा, 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 आएगा। हम ऐसा काम क्यों किए हैं, ताकि यहाँ पर 2-2 पदों का हम आसानी से जोड़ा बना सकें। तो देखिए जोड़ा बन गया है। अब जोड़ा बना लेने के बाद हमको क्या करना है, इन दोनों पदों के पास हमको देखना है कि कौन सी संख्या दोनों में है। तो देखिए दोनों के पास यक्ष है तो हम यक्ष को उभयनिष्ठ ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2 ठो यक्ष था, 1 यक्ष निकल गया तो 1 यक्ष बचेगा। यहाँ से ये x बाहर निकल गया तो क्या बचेगा 3 बचेगा। फिर इसके बाद देखिए इधर पे दोनों के पास 4 है तो हम 4 को उभयनिष्ठ ले लेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 4 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा 3। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं कि x धन 3 यहाँ पर भी है और x धन 3 यहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे एक्स धन 3 को फिर से बाहर लिख देंगे। तो ये एक्स धन 3 को हम फिर से उभयनिष्ठ लिखेंगे। अब देखिए एक्स धन 3 यहाँ से बाहर निकल गया, ये लिख लिए हम, तो जब हम इसको बाहर निकाल दिए तो यहाँ से कितना बचेगा एक्स बचेगा। यहाँ से एक्स धन 3 को बाहर निकाल के ये लिख दिए तो यहाँ से कितना बचेगा 4 बचेगा। तो इस प्रकार से एक्स धन 3 और एक्स धन 4 ये क्या प्राप्त हो गया हमको उत्तर प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम पहले भाग का गुणनखंड निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, प्रश्न के जो दूसरा भाग है
उसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्न के दूसरे भाग को हल कर लेते हैं। अब देखिए प्रश्न का दूसरा भाग हमको दिया कितना है, पहले हम प्रश्न को लिख लेंगे एक्स की घात 2, फिर ऋण में कितना दिया है 10x दिया है और ये कितना दिया है 25। तो इस तरह से हम पहले सवाल को लिख लिए। अब देखिए इसका हमको गुणनखंड ज्ञात करना है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, शुरू की और अंतिम की संख्या का गुणा करेंगे। तो 25 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो 25 एक कम 25 ये हो गया। बीच में कौन सी संख्या है, ऋण में 10 है। अब हमको ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका गुणा करें तो 25 प्राप्त हो और जोड़ें तो ऋण में 10 प्राप्त हो। तो ऐसी संख्या क्या है, ऋण 5 और ऋण 5। अब देखिए ऋण 5 जुड़ेगा तो ऋण 10 आ जाएगा। गुणा करेंगे आप तो ऋण ऋण का गुणा धन और 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम बीच वाले पद को क्या लिखेंगे, ऋण 5। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं, एक्स की घात 2, बीच वाले पद को हमको क्या लिखना है, ऋण में 5x। फिर इसके बाद धन 25 को हम गुणा कर रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, 5 × 5। अब देखिए ऋण 5x जुड़ेगा तो ऋण 10x ही आएगा, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 ही आएगा। ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि इनका हम जोड़ा बना सकें। तो इस प्रकार से दो दो पदों का जोड़ा बन गया। अब देखिए इन दोनों पदों के पास x दिखाई दे रहा है, तो दोनों से हम x को उभयनिष्ठ ले लेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो x को हम उभयनिष्ठ ले लिए। अब यहाँ पे 2 x था, 1x बाहर चला गया तो 1x बचेगा। यहाँ पे 1 ही x था वो भी बाहर चला गया तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब देखिए इन दोनों पदों में हम क्या देख रहे हैं कि पहला पद जो है ऋण में है, तो ऋण चिन्ह को हमको बाहर निकालना होगा। फिर दोनों के पास 5 है तो हम 5 को बाहर निकाल देंगे। अब देखिए ऋण चिन्ह निकल गया, 5 निकल गया, तो यहाँ से x बचेगा। क्योंकि ऋण चिन्ह को बाहर निकाले हैं हम, तो ये धन वाली संख्या ऋण में हो जाएगी। अब ये 5 तो बाहर निकल गया तो 1 × 5 बच जाएगा। अब देखिए x·5 यहाँ पर भी है, x·5 यहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे, फिर से x·5 को बाहर निकाल देंगे। तो अब देखिए ये पूरा का पूरा बाहर निकल गया तो ये वाला x बच जाएगा। यहाँ से ये पूरा का पूरा बाहर ये निकल गया तो यहाँ से कितना बचेगा, ऋण में 5। तो इस प्रकार से हमको गुणनखंड में क्या प्राप्त हो गया, x·5। आप चाहें तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों संख्याएं समान हैं, तो आप चाहें तो इसे x·5² भी लिख सकते हैं। तो ये भी उत्तर सही है और ये भी उत्तर सही है। फिर इसके बाद आ जाते हैं प्रश्न के अगले भाग में। अब देखिए हमको यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न क्रमांक 11 है, 16x² ऋण 49 के गुणनखंड कीजिए। तो देखिए हमको इसका क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलें इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम सवाल को लिख लेते हैं, 16x² ऋण में कितना दिया है 49। अब पहले हम क्या करेंगे, इसे हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको 4 × 4, क्योंकि 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 × 16 प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना है, 2 है, तो इसे आप 2 ही रहने दीजिए। 49 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 × 7, इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर इस प्रश्न को आगे हल कर लेते हैं। अब देखिए 4 × 4, तो आप इसे चाहें तो 4² लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 4 है। फिर x² कितना है, 2 है। फिर यहाँ पे ऋण का चिन्ह, अब 7 × 7 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7² फिर इसे और आगे हल कर लेते हैं। अब देखिए दोनों संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं है,
मतलब दोनों एक ही पद माने जाएंगे, तो हम इसे एक कोष्टक के अंदर लिख लेंगे और दोनों की जो घात है हम इकट्ठा बाहर लगा देंगे। इसी प्रकार सात को भी लिख लेते हैं, सात की घात 2। अब देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा और आगे हल करते हैं। यहाँ पर देखिए हम एक सूत्र जानते हैं, सूत्र क्या होता है, ए की घात 2 ऋण बी की घात 2 बराबर ए ऋण बी और ए धन बी, ये क्या होता है, सूत्र होता है। तो देखिए हमको इसमें सूत्र का उपयोग करना है, तो ए के स्थान पे हमको क्या दिख रहा है, 4x, मतलब ए के स्थान पर यहाँ 4x है और बी के स्थान पर कितना है, 7 है, तो बी के स्थान पर 7 है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी का जो मान है इस तरफ रख देंगे तो इसमें सूत्र लग जाएगा। तो चलिए सूत्र लगाते हैं, ए के स्थान पे आपको 4x रखना है और बी के स्थान पर 7, तो ए के स्थान पर हम 4x रखेंगे और बी के स्थान पर 7 रखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर भी ए के स्थान पर हम 4x रखेंगे और बी के स्थान पर क्या रखेंगे, 7। तो इस प्रकार से 4x-7 और 4x-7, ये क्या प्राप्त हो गया हमको, गुणनखंड प्राप्त हो गया। फिर इसके बाद इसके अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है, गुणनखंड कीजिए। तो देखिए हमको क्या करना है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलें इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो हमको सवाल दिया है उस सवाल को पहले हम लिख लेते हैं। x की घात 2 धन y z धन x y धन x z, तो पहले हम सवाल को लिख लिए। अब हमको इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, तो देखिए इसे हम गुणनखंड के रूप में पहले लिख लेते हैं। तो x की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं, x गुणे x लिख सकते हैं, y z को क्या लिख सकते हैं, y गुणे z लिख सकते हैं, फिर इसके बाद x y को क्या लिख सकते हैं, x गुणे y लिख सकते हैं, फिर धन x z को क्या लिख सकते हैं, x गुणे z। तो इस प्रकार से हम इसे लिख लेंगे। अब देखिए हमको क्या काम करना है, सबसे पहले हम इसमें x वाला पद इसके पास है, इसके पास नहीं है तो इसे हम नहीं लिखेंगे, इस x वाले पद को पहले लिख लेते हैं। अब देखिए x वाला पद कौन सा है हमारे पास, x गुणे x है, फिर ये x वाले को लिख लेते हैं धन x गुणे y, और इनको क्या करें हम एक कोष्टक के अंदर बंद कर देते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए जेड वाला पद इसके पास है और इसके पास भी है, तो हम जेड वाले पद को लिख लेते हैं। तो पहले हम एक्स गुणे जेड को लिख लेते हैं, एक्स गुणे जेड, फिर इस जेड वाले पद को लिख लेते हैं वाई गुणे जेड, और दोनों को क्या करेंगे एक कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे। अब इस प्रश्न को और आगे हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो इन दोनों से हम एक्स को उभयनिष्ठ ले लेते हैं, कोष्टक के बाहर निकाल देते हैं। तो एक एक्स बाहर निकल गया तो यहाँ से एक एक्स बचेगा, यहाँ से ये एक्स बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, वाई बचेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए दोनों के पास जेड है, तो दोनों से हम जेड को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ से एक्स बचेगा, यहाँ से जेड बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, वाई बचेगा। फिर इसे और आगे हल कर लेते हैं, एक्स धन वाई यहाँ पर भी है और एक्स धन वाई यहाँ पर भी है, तो दोनों से हम एक्स धन वाई को क्या करेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो एक्स धन वाई को हम उभयनिष्ठ ले लिए, बाहर निकाल दिए। तो देखिए ये एक्स धन वाई को बाहर लिख दिए तो ये वाला एक्स बच जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से भी हम एक्स धन वाई को ये बाहर लिख दिए तो यहाँ से क्या बचेगा, जेड बचेगा। तो इस प्रकार से हमको एक्स धन वाई और एक्स धन जेड क्या प्राप्त हो गया, उत्तर। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 13 है,
कूड़न खंड कीजिए। तो देखिए हमको ये सवाल दिया हुआ है, इसको हमको क्या ज्ञात करना है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सवाल को लिख लेते हैं। हमको सवाल दिया है 8x³ धन 24x² 2 y ऋण 32xy² 2, ये हमको सवाल दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इन्हें गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए 8 को गुणनखंड के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। फिर x³ को हम गुणनखंड के रूप में क्या लिखेंगे, x × x × x लिख लेंगे। फिर इसके बाद 24 को हम गुणनखंड के रूप में क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 3, गुणा करके देख लीजिए, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8³ = 24। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर x²² है, तो इसे हम गुणा के रूप में x × x लिखेंगे। फिर इसके बाद 1y है, तो इसको लिख लेंगे। फिर इसके बाद इस पद को लिख लेते हैं। अब देखिए ऋण में कितना है, 32, तो 32 को हम गुणनखंड के रूप में क्या लिखेंगे, हम इसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2। अब गुणा करके देख लें, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 1, 2 और लिख लेंगे तो 16 × 2 = 32। फिर इसके बाद x को लिख लेंगे। अब देखिए y² है, तो इसे क्या लिखेंगे हम, y × y। तो इस प्रकार से हम इसको गुणनखंड के रूप में लिख लिए। अब हमको क्या काम करना है, इन तीनों पदों में देखना है कि कौन कौन सी संख्याएं तीनों के पास मिल रही हैं। तो देखिए 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो 2 में हम चिन्ह लगा लिए। फिर देखिए यहाँ पे 3 × 2 है, यहाँ पे भी 3 × 2 है, यहाँ पर भी 3 × 2 से ज़्यादा 2 है, मतलब 3 × 2 जो है हमारे तीनों पदों के पास है। तो इस प्रकार से हम चिन्हांकित कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो x वाला पद है, 3 इसके पास है, इसके पास 2 है और इसके पास x वाला पद कितना है, 1 ही है। तो 1 x जो है हम तीनों पद से बाहर निकाल सकते हैं। फिर देखिए y वाला पद इसके पास नहीं है, इसके पास y वाला पद है, इसके पास भी है पर इसके पास नहीं है, इसलिए हम y वाले पद को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अब इसे और आगे हल कर लेते हैं। अब देखिए जितने में हम ये रेड लाइन लगाए हैं लाल कलर से, उसको आपको बाहर निकाल देना है। तो देखिए 3 × 2 जो है हमको तीनों पदों के पास मिल रहे हैं, तो इसको लिख लेंगे, और x भी मिल रहा है तो इसको भी हम लिख के बाहर कर देंगे। अब देखिए यहाँ से कितना बचेगा, 2 × x बचेगा, तो x × x लिख लेंगे। फिर यहाँ से देखिए ये बाहर निकल गया, तो यहाँ से 3 बचा, तो इस 3 को लिख लेंगे। फिर इसके बाद क्या बचेगा, x और y, तो x × y लिख लेंगे। फिर इसके बाद ऋण चिन्ह, अब देखिए ये 2 बाहर निकल गया है, 3 × 2 बाहर निकल गए हैं, अब ये 2 × 2 बचे हैं, तो इसको लिख लेंगे 2 × 2। फिर इसके बाद देखिए हमारे पास x, ये वाला x तो बाहर निकल गया है, ये 2 y बचे हैं, तो हम इसे गुणे के रूप में y × y लिख लेंगे। अब इसे थोड़ा सा और आगे हल कर लेते हैं। अब देखिए इन 2 का गुणा करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और ये x, तो यहाँ से कितना हो गया, 8x हो गया। फिर इसके बाद कोष्टक के अंदर वाले भाग को हल कर लेते हैं, x का गुणा x में होगा तो x³² हो गया। फिर देखिए 3x और y का गुणा होगा तो कितना आएगा, 3xy आएगा। फिर इसके बाद तीसरे पद को देखिए, यहाँ पर 2 × 2 है, तो इसका गुणा करेंगे तो 2 × 2 = 4 हो गया।
वाई का गुणा वाई में होगा तो वाई की घात 2 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हमको 8x कोष्टक के अंदर x का स्क्वायर धन 3xy ऋण 4y की घात 2 ये क्या प्राप्त हो गया, गुणनखंड, और ये क्या है, हमारा उत्तर है। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 14 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह से हमको ये सवाल दिया हुआ है और इसका हमको क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चले सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो हमको सवाल दिया है उसे लिख लेते हैं। 25 ऋण ए की घात 2 ऋण बी की घात 2, ऋण में कितना है 2ab, ये हमको सवाल दिया है। अब हमको इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या काम कर लें हम, ये जो बाकी के 3 पद हैं इन तीनों पदों से हम ऋण चिन्ह को कोष्टक के बाहर निकाल कर लिख देते हैं और बाकी के पदों को कोष्टक के अंदर। तो देखिए इसका ऋण चिन्ह हम बाहर लिख दिए तो ये पद किस में हो जाएगा, धन में हो जाएगा 1 की घात 2। इसी प्रकार इसका भी ऋण चिन्ह बाहर निकल गया तो ये पद भी हमारा हो जाएगा धन में 2 की घात 2। इसका भी ऋण चिन्ह बाहर निकल गया तो ये भी धन में हो जाएगा 2ab। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हम इस पूरे पदों से ऋण चिन्ह को बाहर निकाल कर लिख दिए। अब इसके बाद देखिए 5 × 5 मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2 लिख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए जो ये वाला पूरा का पूरा पद लिखा है ये क्या होता है, एक सूत्र ही होता है। अब सूत्र कौन सा होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये होता है a + b² = (a^2 + b^2 - 2ab)। ये सूत्र होता है। तो देखिए ये पूरा का पूरा पद ऐसा ही है तो इस सूत्र से हम इस पूरे पद को किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से। तो हम इसे क्या लिख लेंगे, a^(b) / (2). अब इसके बाद हमको क्या काम करना है, देखिए इस पूरे पद में हमको फिर से सूत्र लगाना है। अब देखिए इस पूरे पद में कौन सा सूत्र लगेगा, तो यहाँ पर एक और सूत्र होता है, उस सूत्र को भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए एक सूत्र कौन सा होता है जिसको हम इसमें लगाने वाले हैं, एक सूत्र होता है 1 की घात 2 ऋण b की घात 2 = सूत्र होता है a^(b) / (a^b)। ये सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या पा रहे हैं कि a के स्थान पर 5 है और b के स्थान पर a^(b) है, तो हमको a के स्थान पर 5 और b के स्थान पर a^(b) रखना है। ए के स्थान पर 5 और बी के स्थान पर a^(b) रखना है। तो चलिए रख देते हैं, ए के स्थान पर हमको कितना रखना है इस सवाल में, 5 रखना है, फिर ऋण का चिन्ह, बी के स्थान पर a^(b) रखना है तो बी के स्थान पर हम a^(b) रख देंगे। फिर इसको हम बड़े कोष्टक से बंद कर देते हैं। अब देखिए ए के स्थान पर हमको 5 रखना है तो 5 रखेंगे, फिर धन का चिन्ह, बी के स्थान पर हमको a^(b) रखना है तो यहाँ बी के स्थान पर हम a^(b) रख देंगे। फिर इसको बड़े कोष्टक से बंद कर देंगे। अब देखिए इसे और आगे हल कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको छोटे कोष्टक में बना देते हैं, बड़े कोष्टक को। यहाँ पे कितना है, ये 5 है। अब देखिए इस छोटे कोष्टक को हमको ख़त्म करना है तो ये ऋण चिन्ह का अंदर गुणा हो जाएगा तो ऋण और ये संख्या धन में, तो ऋण धन का गुणा ऋण हो जाएगा और ये a हो गया, फिर ऋण धन का गुणा ऋण हो जाएगा और ये क्या हो गया, b। फिर ऐसा ही हमको इसमें करना है तो इस 5 को लिख लेंगे। अब देखिए धन का गुणा धन में करेंगे तो धन ही आएगा, फिर इसके बाद फिर से धन का गुणा धन में करेंगे तो धन ही आएगा। मतलब इस तरह से हम
जो हमको सवाल दिया था उसका हम गुणनखंड निकाल लिए और ये क्या आ गया हमारा उत्तर। फिर इसके बाद आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 15 में। तो देखिए हमको सवाल दिया है 45x^4 ऋण 7x^3 धन 12x^2 को 5x कोष्टक के अंदर x ऋण 3 से भाग दीजिए। तो देखिए हमको पहले पद से दूसरे पद का क्या करना है, भाग देना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस सवाल को लिख लेते हैं। अब देखिए भाग देना है तो हम इसे क्या करते हैं, बटे के रूप में लिख लेते हैं। पहले पद को हम अंश में लिखेंगे तो पहले यहाँ पर लिख लेंगे 45x^4 ऋण 7x^3 धन 12x^2। फिर इसके बाद क्या करना है, जो ये वाला पद है इसे हम बटे के नीचे लिखेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे 5x कोष्टक के अंदर x ऋण 3। अब देखिए सवाल को लिख लेने के बाद अब हमको क्या काम करना है, जो अंश की संख्या है उसे हम गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, 9 का गुणा 5 में करेंगे तो 45 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या काम करते हैं, अंदर में देखिए सभी के पास आपको x दिखाई दे रहा होगा तो आपको क्या करना है, सभी से x को बाहर निकाल लेना है, उभयनिष्ठ ले लेना है। तो देखिए यहाँ पे 4x है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो सभी से हम 2x को बाहर निकाल सकते हैं। तो 2x को हम बाहर इस प्रकार से निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4x था, 2x को हम बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे कितने x बचेंगे, 2x बचेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए x 3 था, 2x को हम बाहर निकाल दिए हैं तो यहाँ से क्या होगा, 1x बचेगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 2x था, दोनों को हम बाहर निकाल दिए, उभयनिष्ठ ले लिए तो यहाँ से सिर्फ कितना बचेगा, 12 बचेगा। फिर इसके बाद बटे के नीचे क्या लिखा है, 5x और कोष्टक के अंदर x ऋण 3। अब देखिए यहाँ पर हम क्या काम किए हैं, पहले तो हमको इसे गुणनखंड के रूप में लिखना था फिर उभयनिष्ठ लेना था, लेकिन अभ्यास पुस्तिका में जगह कम है इसलिए हम क्या किए हैं, डायरेक्ट बाहर निकाल के जो शेष बचा है उसे लिख दिए हैं, क्योंकि अगर हम और बड़ा करेंगे तो ये एट ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका में आएगा ही नहीं, क्योंकि इतनी जगह नहीं है। तो चलें अब इसको और आगे हल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अंश में 1/5 है और 1/5 हर में है, तो ये दोनों कट जाएंगे और अंश और हर से 1x भी कट जाएगा। अब कटने के बाद जो भी शेष बचा है उस संख्या को हम लिख लेते हैं। तो देखिए 3 × 3 में गुणा करेंगे तो 3 × 9 हो गया। अब यहाँ से कितना बचा, x बचा है तो इस x को लिख लेंगे। फिर इसके बाद हमको क्या काम करना है, अब यहाँ पर देखिए इसका हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो शुरू का और अंतिम का गुणा करेंगे तो 12 × 1 = 12 ये आ गया, बीच में क्या है, ऋण 7 है। अब आपको ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका गुणा करें तो 12 आए और जोड़ें तो ऋण 7 आए। तो ऐसी संख्या क्या है, ऋण 3 और ऋण 4 है, क्योंकि ऋण 3 और ऋण 4 को जोड़ेंगे तो ऋण 7 आ जाएगा। गुणा करेंगे तो ऋण का गुणा धन 4 × 3 = 12 है, तो हमारा सही जोड़ा क्या हो जाएगा, ऋण 3 और ऋण 4 हो जाएगा। अब देखिए इसे हम और आगे हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना है, x^2 है। अब ऋण 7x को हम क्या लिख सकते हैं, ऋण 3x लिख सकते हैं और ऋण 4x लिख सकते हैं। फिर इसके बाद 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं। ऐसा हम इसलिए किए हैं ताकि दो दो पदों का जोड़ा बन जाए और हम फिर से जो भी संख्या उभयनिष्ठ हो उसे हम बाहर निकाल सकें। अब देखिए बटे के नीचे कौन सी संख्या बची है, x ऋण 3 बची है। अब इसे हम और आगे हल कर लेते हैं।
अब देखिए यहाँ पर कितना है, 9x है। अब हमको कोष्टक के अंदर वाली संख्या का दो दो पदों का जोड़ा बना देना है। तो देखिए इन दोनों पदों के पास x दिखाई दे रहा है, तो दोनों से हम x को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे दो ठो x था, एक x बाहर हो गया तो एक ही x बचेगा। यहाँ पे एक ही x था वो भी बाहर निकल गया, तो कितना बचेगा, तीन बचेगा। अब देखिए इस जोड़े का पहला पद ऋण में है, तो ऋण चिन्ह को बाहर लिखेंगे। दोनों के पास चार है, तो चार को हम उभयनिष्ठ ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से ऋण और चार उभयनिष्ठ हो गया, तो कितना बचेगा, x बचेगा। क्योंकि ऋण चिन्ह उभयनिष्ठ निकाले हैं, तो ये धन वाली संख्या ऋण में हो जाएगी। अब चार को तो हम बाहर निकाल दिए, तो यहाँ से कितना बचेगा, तीन बचेगा। फिर ये बड़ा कोष्टक लगा देंगे और बटे के नीचे वाली संख्या को लिख लेंगे। फिर इसके बाद इस प्रश्न को और आगे हल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना शेष बचेगा, पहले हम इस 9x को लिख लेते हैं। अब देखिए कोष्टक के अंदर x ऋण 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो दोनों से हम x ऋण 3 को फिर से उभयनिष्ठ लेकर के सबसे बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए ये x ऋण 3 बाहर निकल गया, तो यहाँ से बचा क्या, x बचा। यहाँ से भी हम x ऋण 3 को बाहर निकाल दिए, तो यहाँ से कितना बचेगा, ऋण में 4 बचेगा। और बटे के नीचे क्या है, x ऋण 3 है। अब देखिए हम क्या पा रहे हैं कि अंश और हर में यहाँ पर भी x ऋण 3 है और यहाँ पर भी x ऋण 3 है, तो ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। और कटने के बाद अब हमारे पास कितना शेष बचा है, यहाँ से 9x बचा और यहाँ से x ऋण 4 बचा। और ये क्या आ गया, हमारा उत्तर आ गया। आशा करते हैं आज की वीडियो में बताए गए सभी सवालों के हल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह आपको हमारी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहे, भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए आपको क्या काम करना है, जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं उसी के नीचे आपको कुछ इस तरह से एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा, तो आपको यहां पर टच करना है। फिर इसके बाद आपको घंटी के ऑप्शन पर टच करना है, नोटिफिकेशन में आपको आल के ऑप्शन पर टच करना है, वीडियो को आपको अवश्य लाइक करना है। यदि आप वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हो, तो आप शेयर के ऑप्शन पर टच करके वीडियो अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। साथ ही आपको कक्षा 8 के एटग्रेड अभ्यास पुस्तिका की किसी भी विषय की वीडियो चाहिए, तो आप हमारे चैनल के लोगों पर टच करके प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको डिस्क्रिप्शन पर भी सभी वीडियो की लिंक उपलब्ध करा देंगे, तो वहां से भी आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हम वीडियो के अंत में यहां पर गणित विषय की सभी वीडियो उपलब्ध करा देंगे, यहां पर विज्ञान विषय की वीडियो उपलब्ध करा देंगे, यहां पर आपको सामाजिक विज्ञान की वीडियो उपलब्ध करा देंगे और यहां पर हिंदी की वीडियो उपलब्ध करा देंगे। इसी के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ।